Good morning students, how are you? Welcome to the online class. Today we will study English literature and I am going to teach you chapter 1, that is the elephant and the dog. So watch and listen carefully. I will teach you line by line in Hindi and tell you word meaning as well. Video ke last mein main word meaning bhi dal dunga jise video pause karke aap log likh sakte ho. So watch it carefully. Once upon a time, a dog used to go into the stable where the king's elephant lived. Once upon a time, एक बार की बात है, एक कुत्ता जाया करता था stable में where the king's elephant lived, जहां राजा का हाथी रहता था. मतलब एक बार की बात है, एक कुत्ता जहां पे राजा का हाथी रहता था, उसके stable में जाया करता था. Over time. ओवर टाइम का मतलब होता है कुछ समय में. कुछ समय में दे बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स, वे लोग क्या हो गए, बहुत ही अच्छे मित्र बन गए. एंड डिड एवरी थिंग टुगेदर, और सब कुछ एक साथ करने लगे. डिड एवरी थिंग, सब कुछ टुगेदर, एक साथ, सब कुछ एक साथ करने लगे. मतलब वे लोग इतने अच्छे फ्रेंड बन गए कि कोई भी काम अपना एक साथ ही करते थे. वन डे अ फार्मर सा द डॉग एंड सेड टू द एलिफेंट कीपर. एक दिन क्या हुआ, एक किसान जो था उसने उस कुत्ते को देखा. एंड सेड टू द एलिफेंट कीपर. एलिफेंट कीपर किसको बोलते हैं, एलिफेंट का मतलब हाथी, कीपर का मतलब रखने वाला, यानी जो हाथी को रखता है, यानी महावत. तो एक बार क्या हुआ कि एक किसान जो था उसने कुत्ते को देखा और महावत से कहा, आई वॉन्ट टू बाई दैट डॉग, How much do you want for him? मुझे ये कुत्ता चाहिए, means मैं ये कुत्ता को खरीदना चाहता हूँ. How much do you want for him? How much का मतलब होता है कितना, मतलब तुम इसके लिए मुझसे कितना पैसा चाहते हो. तो महावत क्या बोला, I don't care much for the dog, you can just take him away. I don't care, मुझे कोई मतलब नहीं है. मच मच मतलब ज़्यादा, मतलब मुझे इस कुत्ते से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है. यू कैन जस्ट टेक हिम अवे, तुम इसे ऐसे ही ले जा सकते हो, तुम इसे ऐसे ही ले जा सकते हो. द किंग्स एलिफेंट मिस्ड द डॉग. अब राजा का जो हाथी था वो कुत्ते से क्या हो गया, बिछड़ गया, मिस कर दिया उसको, वो उससे बिछड़ गया. द एलिफेंट रिफ्यूजेज टू ईट और बेद. अब जो हाथी है वो क्या करता है, रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स होता है त्याग देना या छोड़ देना. तो हाथी क्या करता है, छोड़ देता है टू ईट, खाना पीना, और बेद, बेद मीन्स स्नान करना. खाना पीना छोड़ देता है और स्नान करना छोड़ देता है. यहाँ पे एक चीज तुम लोग ध्यान देना, बी ए टी एच ई, बेद, बेद मीन्स होता है स्नान करना, और बी ए टी एच, बाथ, बाथ मीन्स होता है केवल स्नान. तो यहाँ पे दिया हुआ है बेद और ये एक वर्ब है, तो स्नान करना और खाना पीना छोड़ देता है. इट हैज़ बीन डेज, और बहुत दिन, ऐसे करते बहुत दिन हो गए. फिर उसके बाद एट द किंग्स कोर्ट, तो राजा के दरबार में क्या हुआ, जब राजा को पता चला, द किंग वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट द एलिफेंट्स कंडीशन. अब राजा को उस हाथी के परिस्थिति के बारे में, कंडीशन मीन्स हालात या परिस्थिति, राजा को उस हाथी के हालात के बारे में सूचित किया गया. ही सेंट फॉर द चीफ मिनिस्टर टू फाइंड आउट व्हाट वॉज रॉन्ग. ही सेंट, उसने भेजा, किसने, राजा ने. ही सेंट फॉर द चीफ मिनिस्टर, उसने अपने मंत्री को भेजा टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, व्हाट वॉज रॉन्ग, कि क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम है, ये पता लगाने के लिए राजा ने किसको भेजा, अपने मंत्री को भेजा. द चीफ मिनिस्टर वेंट टू द स्टेबल एंड लुक द एलिफेंट ऑल ओवर. अब वो जो मंत्री था वो गया टू द स्टेबल, अस्तबल में गया, एंड लुक्ड, और देखा द एलिफेंट ऑल ओवर, उस हाथी को पूरी तरह से, चारों तरफ से देखा. नथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग विद हिम बट ही लुक्स सो सैड.
तो मंत्री क्या बोला, इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम या कोई गड़बड़ नहीं लगता है, लेकिन यह उदास दिखता है। ही हैज़ लॉस्ट ए प्लेमेट, हैज़ ही लॉस्ट अ प्लेमेट, क्या इसका कोई साथी खो गया है, कोई साथी इसका कोई दोस्त खो गया है। प्लेमेट मीन्स साथी। यस देयर वॉज अ डॉग एट एंड स्लेप्ट विथ हिम, तो वो हाथी को पालने वाला जो महावत था उसने ये जवाब दिया कि हाँ देयर वॉज अ डॉग, एक कुत्ता था, हु एट एंड स्लेप्ट विथ हिम, जो उसके साथ खाना खाता था और उसके साथ सोया करता था। इट वेंट अवे 3 days ago, और वह 3 दिन पहले यहाँ से जा चुका है या चला गया है। आई डोंट नो वेयर ही वेंट, और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया है। वेरी वेल सेंड वर्ड ऑल ओवर द कंट्री आस्किंग द मैन हु बॉट द डॉग टू सेट हिम लूज। वेरी वेल, राजा ने कहा ठीक है, सेंड वर्ड, इस बात को सेंड चारों तरफ पहुंचा दो, भेज दो ऑल ओवर द कंट्री, सारे दिशाओं में, सारे देश में, पूरे देश में मेरे इस बात को भेज दो। आस्किंग द मैन, उस आदमी से कहने के लिए, हु बॉट द डॉग, जिसने उस कुत्ते को खरीदा, टू सेट हिम लूज, कि उसे क्या कर दे। लूज मीन्स होता है बंधन मुक्त कर देना या छोड़ देना, कि वो उसे उस कुत्ते को छोड़ दे। आई विल पे हिम बैक एज मच एज ही पेड, और मैं उसे दे दूंगा, पे मतलब होता है चुकाना, आई विल पे हिम, मैं उसे चुका दूंगा या दे दूंगा बैक वापस, एज मच एज ही पेड, जितना उसने इस कुत्ते को खरीदने में पैसा दिया था मैं उतना उसको वापस कर दूंगा। तब मंत्री क्या बोल रहा है, द एलिफेंट इज नॉट सिक, एलिफेंट जो है वो बीमार नहीं है, बट ही इज ए लोनली, बट ही इज लोनली विदाउट हिज फ्रेंड, बल्कि वह तो अपने दोस्त के बिना अकेला है। द डॉग, वो दोस्त कौन सा था, डॉग था। यानी मंत्री बोल रहा है कि वो बीमार नहीं है, वो अपने मित्र कुत्ते के बिना बिल्कुल अकेला हो गया है। अ फार्मर टुक हिम अवे एंड नो वन नोज वेयर ही द फार्मर लिव्स, और एक किसान जो है टुक हिम अवे, टेक अवे मीन्स होता है ले जाना, एक किसान उसे ले गया, एंड नो वन नोज, और कोई नहीं जानता, नो वन मतलब कोई नहीं, नोज मतलब जानता, कोई नहीं जानता है वेयर द फार्मर लिव्स, कि वह किसान कहाँ रहता है। When the farmer heard this, जब किसान ने ये बात सुनी, heard, hear, hear means होता है सुनना, और hear का past form है heard. When the farmer heard this, जब किसान ने यह सुना, he turned the dog loose immediately. तो उसने शीघ्र ही, immediately मतलब होता है तुरंत या शीघ्र ही, उसने तुरंत ही कुत्ते को क्या कर दिया, loose means क्या बताए थे, बंधन मुक्त करना या छोड़ देना, उसने तुरंत ही कुत्ते को छोड़ दिया। द डॉग रैन बैक एज फास्ट एज ही कुड, तो कुत्ता बहुत ही तेजी के साथ वापस दौड़ते हुए वापस हो गया, एज फास्ट एज ही कुड, उतना ही तेजी से दौड़ा जितना वो दौड़ सकता था, मतलब उतने तेजी से दौड़ते हुए वापस भागा जितना उसमें ताकत थी, जितना वो दौड़ सकता था। एट द रॉयल स्टेबल, और उस शाही अस्तबल में, एट द रॉयल स्टेबल द एलिफेंट वॉज सो ग्लैड, वह हाथी इतना खुश हुआ, टू सी द डॉग, उस कुत्ते को देखकर, दैट कि ही पिक्ड द डॉग, उसने कुत्ते को ऊपर उठा लिया, पिक द डॉग अप, उसने कुत्ते को ऊपर उठा लिया, एंड पुट हिम ऑन हिज हेड, और उसे अपने सर पे बैठा लिया। तो ये सारा कहानी यहाँ ख़त्म हो गया, और वीडियो के लास्ट में मैं वर्ड मीनिंग डाल दे रहा हूँ, उसे तुम लोग लिख लेना, और लिखने के बाद फिर से ट्राई करना, और जिसको भी जो प्रॉब्लम होगा वो फिर से मेरे को कमेंट करके बताएगा। अब आगे रीड एंड आंसर, ये क्वेश्चन आंसर जो है ये तुम लोग ट्राई करोगे, ट्राई करने के बाद
अगर अपने से लिख पाओगे तो तुम लोग लिखो, अदरवाइज फिर मैं तो बताऊंगा। वैसे तुम लोग का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। इस ब्लैंक्स को तुम लोग बुक पढ़ के तुम लोग भरोगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द फ्रेज टर्न द डॉग लूज मीन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये तुम लोग करोगे। करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर, इसका जो भी होगा मैं पूरी तरह से कर दूंगा। थैंक यू।